हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक कप आटा ले लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 आलू ले लिए, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और एक प्याज कट करके मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें मैंने तेल भी डाल दिया और अजवाइन भी डाल दिया है। आप सबको इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से डो लगा लेना है। जब आपको बहुत जल्दी हो, किचन में कुछ आपके पास ना हो सब्जी वगैरह लाए हुई, तो ये आप फटाफट बना के आप खा सकते हो। इसको आप आलू प्याज का पराठा भी बोल सकते हो। तो इस तरह से डो मैंने लगा लिया है और मैंने तवा एक तरफ चढ़ा दिया। अब मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी, ताकि क्या है मुझे रोटी बेलने में आसानी हो जाए। और एक बात फ्रेंड्स, इसको तुरंत बना के तुरंत ही आपको बेलना पड़ेगा। इसको आप रख नहीं सकते हो, क्यों आलू जो है अब थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ जाते हैं और फिर ये गीला हो जाएगा, आप इसको बेल नहीं पाओगे। तो इस तरह से मैंने पराठा को बेल लिया है और तवे पे मैंने डाल दिया है, और मैं इसको घी से सेकूंगी। आप चाहो तो इसको ऑयल से भी सेक सकते हो। इसको आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो फ्रेंड्स, शाम के नाश्ते में भी खा सकते हो। बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं। और आप इसको घी से सेक लोगे तो इस तरह से ये करारा करारा दिखने लग जाएगा, काफ़ी टेस्टी बनता है, यम्मी बनता है। ऑनियन बच्चों को अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हो कि गार्लिक डालें तो वो भी आप इसमें घिस कर दे सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। इसके साथ मैंने लहसुन की चटनी भी बनाई थी और ये आम का अचार है जो काफ़ी टेस्टी लगा था और बड़े करारे बने थे। इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। जय श्री श्याम और राम राम और जय हिंद जय भारत। बाय बाय।